एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग इवनिंग वॉक में जा रहे हैं, मी एंड माय फूफा। हियर इज माय फूफा। हाय। सो बाहर में लॉकडाउन है यार। फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ बाहर में ब्लॉग, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली मेरा साउंड भी कैसा आ रहा है। मैं जब भी ब्लॉग बनाता हूँ तो सभी ऐसा घूर के देखता है, तो अच्छा नहीं लगता यार। तो आज मैं फाइनली बाहर में ब्लॉग कर रहा हूँ। अभी वेदर भी मस्त है बाहर का, तो देखते हैं ब्यूटीफुल नज़ारा बैंगलोर का। क्या यार, जब भी रोड है ना, सभी फ्लावर प्लॉट ये बढ़िया है यार। एक्चुअली लग रहा है कि बारिश, देखा यार बहुत ख़राब है मौसम, बहुत देखो बहुत ख़राब, मतलब रोमांटिक। मेरा वीडियो का लाइटिंग जो उतना अच्छा नहीं है यार, इसलिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा मेरा, जैसे कि आप सभी देख सकते हो। उतना अच्छा नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है आज का मौसम। छोटा सा आई थिंक ये पावर हाउस है ना, पावर हाउस। और बेंगलोर का एक खूबसूरत राज मैं बताना जा रहा हूँ आप सभी को, वो है कोकोनट। हर जगह में आपको साउथ में कोकोनट ट्री दिखेगा ही दिखेगा गाइस। ओह यह एक्चुअली यहाँ में बहुत एक्सप्लोर करने का जगह है, मैं सभी दिखाऊंगा आप सभी को। लेकिन अभी लॉकडाउन का वजह से यार मेरा बाल भी इतना लंबा हो गया है। लेकिन अभी जब सैलून ओपन होगा तभी हेयर कट करेंगे, कि तो ऐसे चल रहा है, थोड़ा ऐसे चलने दो। बाल इतना लंबा हो चुका है, क्या कर सकता हूँ अभी। और यहाँ में एक बड़ा सा मंदिर है, यहाँ में चाय पियेंगे ना। तो मेरा फूफा हमको ट्रीट दे रहा है, वो भी स्पेशल टी और टी शॉप चाय। लेट मी ट्राई। हाँ, वेदर मस्त है यार, और चाय भी मस्त। और ये एक सोसाइटी में ऐसा होना भी बहुत अच्छा है। देखो सभी गंदा यहाँ से चला जाता है, सभी यहाँ से गंदा सभी चला जाता है, और थोड़ा एटलीस्ट सिटी क्लीन रहता है ऐसा होने से गाइस। और वेदर भी कुछ इस तरह से, और शॉप फॉर सेल। और ये एक बैंगलोर सिटी, सो फाइनली मैं रूम में आ चुका हूँ अभी। तो मेरा ट्राइपॉड का लग चुका है एल, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का जुगाड़ था मेरा। और ये नीचे का कुछ भी अभी नहीं है इसमें, जैसे कि ये उसका घाट है ना उसमें। लेट मी शो यू। तो कुछ इस तरह था मेरा ट्राइपॉड, और इसको इस तरह से घुमा के मैंने जुगाड़ किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पोर्शन वाला अभी नहीं है कुछ भी, तो ये वाला कुछ भी कैच नहीं कर पाता, इसलिए मेरा ट्राइपॉड गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इधर मेरा फूफा है, और उसका फ़ोन था, वो पहले फ़ोन था वो पानी में डूब चुका था जैसे कि आप देख सकते हो। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी मॉर्निंग का 2 o'clock हो रहा है। तो मेरा फ़ोन, सॉरी मेरा फूफा का फ़ोन आज कुछ नया है, तो उसका अनबॉक्सिंग करते हैं आज। एक्चुअल मैंने थंबनेल में यूज़ किया था यूट्यूब मनी से, वो कोई भी नहीं यूट्यूब मनी से नहीं है, वो उसका पर्सनल मनी से लिया है। तो प्लीज़ आप लोग अब जैसे भी हो आप वीडियो देखिए। मैंने जिस थंबनेल के लिए बोला, एंड ये मेरा फूफा का जो पुराना वाला फ़ोन था कुछ इस तरह से दिखता था वो। कितना 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 हुआ था यह जब फ़ोन लिया था? 2 साल हो गया। कितना में लिया था, मतलब 2019 ऐसे कुछ में लिया? अच्छा अच्छा, कितना कितना थाउजेंड लिया था? ये 9.5। और ये है रेडमी का? अच्छा, क्या हो गया, ये ख़राब हो गया? अब बोलो थोड़ो, कपड़ा धो रहा था, झूठ बोलो है, गाना सुन रहा था, डाउन हो गया तो गिर गया में। बार बार झूठ बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जिस पे बहुत दुख लगा। तो ये YouTube मनी से नहीं है गाइस, ये उसका खुद का पर्सनल सेविंग था, तो इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए। आप देखिए, जैसे कि गाइस ये उनका पुराना फ़ोन था, तो सोचा इतना पुराना फ़ोन, मैंने ऑलरेडी बोल चुका था आप नया फ़ोन अपडेट करो बोल के, तो फाइनली उसका फ़ोन भी ख़राब हो गया, वो अभी अपडेट कर रहे हैं। छोड़ो अभी इसको लगाते हैं साइड में फ़ोन केयर।
सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो अभी लॉकडाउन की वजह से उतना मतलब अभी बाहर से सामान लेने के लिए भी थोड़ा दिक्कत है ना, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट शोरूम में जाके कांटेक्ट किया है। उसके बाद एक भैया मैं पहचानता हूँ उनसे, तो उससे ले लिया है मैंने। ऑलरेडी मैंने ओपन कर दिया क्योंकि शोरूम में भी एक बार खोलना पड़ता है इसको। तो ये रेडमी नोट 9 प्रो है और इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो स्नैपड्रैगन 720G है और 48 मेगापिक्सल का और 9 कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी और 5020mAh का बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग है। तो ये एक्चुअली ये गेमर के लिए और जो मतलब फोटो वीडियो करते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। इतना अच्छा प्रोसेसर दिया है तो इसका अराउंड मैं प्राइस बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ओपन करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आगे बताया था, मैंने ऑलरेडी ओपन किया था तो अभी कुछ कंटेंट नहीं है, इसीलिए मैंने ये आप सभी को देखो इतना तो सही नहीं। इस तरह से दिखने को मिलता है आपको Redmi Note 9 Pro का। उसको नहीं लगता ये ब्लैक है जैसा, लेकिन मैं यहाँ में ब्लैक ही लिखा है तो हमने ब्लैक ही लिया। कैमरा ऐसा है और साइड में फिंगर, तो देखते हैं कुछ कुछ मिलता है तो टाइप सी देता है और हमको बहुत बढ़िया लगता है ये टाइप सी जो है ना। और इसका 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग जैसे कि देख सकते हो। और यहाँ में एक आपको मिलता है कवर और आई थिंक दिस इज़ गुड राइट, ये अच्छा ही है यार, अभी बुरा नहीं है। और इसका हमको बहुत अच्छा लगने वाला बात ये है ये, तो कुछ इस तरह से ढालते हैं इसको। तो अभी अभी देखने में आपको आई थिंक मज़ा आ गया, देखो इतना शाइनिंग दे रहा है। पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है लेकिन हमको बहुत बढ़िया। ये फ़ोन का क्या लगा हमको देखो, यहाँ में भी आपको माइक्रोफोन मिलता है, यहाँ में भी और यहाँ में भी, विच इज़ गुड। और नीचे स्पीकर टाइप सी का और ये हेडफोन जैक, वॉल्यूम अप डाउन। न्यू रेडमी नोट 9 प्रो, ये कोई यूट्यूब मनी से नहीं लिया गाइस, जस्ट मैं थंबनेल ऐसे यूज़ किया था आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। जय हिंद, वंदे मातरम।